नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथिक की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं मेरे गुरुजी श्री वीवी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूँ और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। आप सभी दर्शकों हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, फीडबैक देते हो, हमारी नई नई रेसिपी बनाते हो, ट्राई करते हो, खाते हो, स्वस्थ हो जाते हो। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी नेबर्स हैं, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, वो सभी के सभी को आप शेयर करते हो तो हमें अच्छा लगता है। तो वैसे तो मैं डिसीज को कैसे दूर करना उसके बारे में लेक्चर्स देती रहती हूँ, लेकिन कभी कभी खाने में क्या खाना है उसकी भी मैं रेसिपी बनाती रहती हूँ। हमारी जितनी भी रेसिपी है वो सभी रेसिपी मैंने गैस चालू किए बिना बनाई है। तो हमारी जो रेसिपी है उसका एक ही मकसद है कि गैस चालू नहीं करना, आग पे नहीं पकाना है। तो आज मैं बहुत ही अच्छा स्वीट सब्जी लेके आई हूँ। तो सब्जी का नाम है खोया काजू। तो ये स्वीट खोया काजू की सब्जी जो है वो इंस्टेंट 5 मिनट में बन जाती है और बहुत ही इजी है, एकदम सिंपल मेथड है। तो ये बनाने के लिए मैंने मगजतरी के बीज लिए हैं 100 ग्राम, मतलब कि मेलन के सीड्स, और 100 ग्राम मैंने काजू लिया है, एक ओनियन लिया है, एक छोटा सा मिर्च लिया है, थोड़ा सा टुकड़ा स्वीट के लिए मैंने गुड़ का लिया है, स्वाद अनुसार नमक लिया है। तो बातें बहुत करते रहेंगे, पहले हम रेसिपी बना लेते हैं। तो इसके पहले सबसे पहले हम ये जो मेलन है इसके सीड्स का पाउडर बना लेते हैं। मेलन के जो सीड्स है वो हमने पेस्ट कर लिए हैं, उसके अंदर ही ये एक जो छोटा सा टुकड़ा करके ओनियन का टुकड़े करके हम इसके अंदर पीस लेते हैं ताकि हमारी ग्रेवी जो है वो पंजाबी सब्जी जैसी बन जाए। ओनियन और जो मेलन के सीड्स हैं वो दोनों पीस गए हैं, उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल बारीक पेस्ट रेडी हो गई है। ये जो है पेस्ट एकदम वाइट बनी है और इसके अंदर हमें और कुछ नहीं करना है। एक जो मैंने छोटी सी मिर्च ली है टेस्ट के लिए, वैसे तो ये सब्जी मीठी होती है लेकिन मैंने इसमें एक मिर्च लिया है। स्वाद अनुसार हम इसके अंदर, वैसे तो सब शक्कर डालते हैं, चीनी डालते हैं, मैंने थोड़ा गुड़ लिया है तो ये मीठी सब्जी बहुत अच्छी लगती है। अब ये सब्जी के अंदर हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। ये जो ग्रेवी है वो बनके रेडी हो गई है। हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स है काजू, तो काजू को मैंने 100 ग्राम लिए हैं वो इसमें डाल गई है। तो सब्जी हमारी बनके रेडी हो गई है, इसको सर्विंग बाउल में ले लेते हैं। गार्निश के लिए मैं इसके अंदर काजू डाल रही हूँ। तो सब्जी हमारी सिर्फ 2 मिनट में बनके रेडी हो गई है। आप भी खाइए, गेस्ट को भी खिलाइए और आपके हस्बैंड को टिफिन में दे सकते हो, बच्चों को भी टिफिन में दे सकते हो। ये बहुत ही हेल्दी है। और ये जो काजू की सब्जी है इसको हम, इससे हमारे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा क्योंकि हम पकाया हुआ आहार नहीं खाते हैं। हम जब भी पकाया हुआ आहार खाते हैं तो ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो ही फैट होता है, तो ही मोटापा आता है। अगर किसी का वेट 80 kg, 90 kg है, 100 kg है तो भी ये सब्जी खा सकते हैं क्योंकि हमने सुबह में फास्टिंग किया है, फिर उसके बाद ग्रीन जूस पिया है,
फिर बहुत सारा फ्रूट्स खाते हैं हम, बहुत सारा जूस पीते हैं, बहुत सारे वेजिटेबल्स खाते हैं, सलाद खाते हैं, और फिर हम एनीमा करते हैं। एनीमा जो है वो सुबह में 2-3 बार करते हैं, रात को भी 3 बार करते हैं। रो रेसिपी खाने से मोटापा भी चला जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी चला जाता है, बीपी भी चला जाता है, थायराइड भी चला जाता है, कैंसर होता है तो भी चला जाता है, डायबिटीज़ होता है तो भी चला जाता है। तो आप पेट भर के खाइए, जितनी बार भूख लगे इतनी बार खाइए, लेकिन गैस पे आग पे चढ़ा के नष्ट करके उसके सारे सत्व तत्व बन करके फिर हमें नहीं खाना है। जो भी हमें खाना है वो प्रकृति ने जैसे दिया है वैसे का वैसे खाना है, और हमें हमेशा स्वस्थ रहना है, कभी बीमार ही नहीं पड़ना है। तो हमारी रेसिपी अगर आपको पसंद आती हो तो बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए। रेसिपी के बारे में या फिर हेल्थ रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना हो तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में मुझे फ़ोन कर सकते हो। मेरा फ़ोन का नंबर है 9824317955। और फिर आपको मुझसे मिलना हो तो अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा हेल्थ सेंटर है, जहाँ पे 4 से शाम को 4 से 6 बजे मैं सभी पेशेंट को मिलती हूँ, फ्री में कंसल्ट करती हूँ, निःशुल्क में सेवा करती हूँ। और ये जो हमारा मिशन है वो वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन का मिशन है, तो आप भी इसमें सहभागी हो जाइए। जन सेवा ही प्रभु सेवा है। आप भी हमारी रेसिपी बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी अच्छी अच्छी डिश खाते रहिए, स्वस्थ रहिए, सदा हंसते रहिए, सदा तंदुरुस्त रहिए, निरोगी बन जाइए। तो मैं आपको ये हमारी खोया खाजू की रेसिपी टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। तो एकदम यम्मी है, बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको खोया काजू में काजू के बदले में मूंगफली के दाने डालने हो तो भी डाल सकते हो, और अगर आप प्याज नहीं खाते हो तो सिर्फ मगजतरी के भी या सनफ्लावर के भी या फिर तिल या कुछ भी ग्रेवी करके भी आप ये सब्जी बना सकते हो। तो आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो YouTube के कमेंट बॉक्स में हमें फीडबैक देना। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।